नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। नए साल के जश्न के दौरान तुर्की के इस्तांबुल शहर में रेना नाइट क्लब में हमला, 35 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा जख्मी। सेंटा की ड्रेस में आए थे आतंकियों ने की फायरिंग। वॉशिंगटन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोगों की मौत, कई घायल। उड़ान भरने के 45 मिनट बाद रडार से गायब हुआ था विमान। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते पर अमेरिका से मांगा समर्थन। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा, भारत और पाक को इस मसले का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना चाहिए। पाकिस्तान में गिरफ्तार 66 भारतीय मछुआरे जेल भेजे गए। भारतीय मछुआरों को अरब सागर में पाकिस्तानी जल सीमा में अवैध रूप से मछली पकड़ने को लेकर किया गया था गिरफ्तार। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ने ली शपथ। जस्टिस मियां साकिब निसार बने 25वें चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिलाई शपथ। और अमेरिका का दावा, जिंदा है आईसिस सरगना बगदादी। पिछले महीने उत्तरी इराकी शहर मोसुल पर कब्जा करने के लिए समर्थकों को जारी किया था ऑडियो संदेश। हाल ही में आई थी बगदाद की मौत की खबर। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।